नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में आपका स्वागत है। अब एक नजर 10 बड़ी खबरों पर। आपको बड़ी राहत मिली है। पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। महाराष्ट्र के नंदूरबार में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस झूठ फैला रही है। हैदराबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा, कहा कि मोदी जी को एम शब्द से बेहद मोहब्बत है, इसलिए उनके मुंह से मटन, मुगल और मंगलसूत्र जैसे शब्द निकलते हैं। पुणे की एक विशेष अदालत ने 11 साल पहले हुए नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में फैसला सुनाया। दोषी पाए गए 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रयागराज जंक्शन पर RPF और GRP की ओर से 93 बच्चों को सीमांचल एक्सप्रेस से उतारा। फोर्स के मुताबिक ये बच्चे बिना किसी प्रमाण पत्र के राजस्थान और उत्तराखंड ले जाए जा रहे थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और बागेश्वर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तरकाशी में ओलावृष्टि तक हुई है, वहीं बंगाल में भी मौसम काफी खराब है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने छेड़छाड़ के कथित आरोप के बीच राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि छेड़छाड़ के आरोप की पुलिस जाँच तत्काल बंद की जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या में बने राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएंगे। कन्नौज में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार यूपी में होगी। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। हरियाणा में सियासी उठापटक को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम फिर से फ्लोर टेस्ट जीतेंगे। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।